राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कढ़ी। ये देखिए कढ़ी मैंने फेंट ली है, दही आधी किलो दही है और ये बेसन। अब इसमें से मीठी दही है इसलिए हम इसमें मुश्किल से 4 या 5 चम्मच बेसन डालेंगे और इतने ये घोल के रख लेंगे पकौड़ी के लिए। इतने हमने ये काम करेंगे, इतने हमने तेल पकना रख दिया, जब वो गर्म हो जाएगा तब हम बनाएंगे। ये मैंने तैयार कर दिया, घोल भी तैयार कर दिया, इसमें भी घोल दिया। अब इतने हमारा तेल गर्म हो गया, पहले हम इसमें से पकौड़ियाँ उतार के रखेंगे। जब ये पकौड़ियाँ उतर जाएंगी तो फालतू का तेल निकाल देंगे और फिर उसमें हम छोंकेंगे। हमारी पकौड़ी हो गई, अब हम इसे निकालते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे। अब हमने छोंक के लिए निकाल लिया कड़ी पत्ता, हींग, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे, पक गया, अब इसमें डालेंगे हल्दी। अब ये घोल बनावा डाल देंगे। मैंने छोक लगा दिया, इसमें मैंने आधी किलो दही में उसमें कम से कम 1.5 से 2.25 किलो पानी डाला है। अब इसे रजने के लिए छोड़ देंगे, जब तक अच्छे से खद्दे के नहीं लग जाते तब तक इसे चलाते रहेंगे। जब तक ये कढ़ी रज रही है, खद्दे लग रहे हैं, इसमें बॉईल हो रही है, तब तक हमें एक दूसरे उसमें फ्राई पैन में चावल का पानी रख देंगे। हमने इसे चावल पहले ही एक कटोरी भिगो लिए थे, ये दे हम इसे पसार के बनाएंगे। जब तक एक गैस पे हमारी कढ़ी बन रही है और एक गैस पे चावलों का पानी है, तब तक हम छोंक के लिए प्याज काट लेते हैं। ये ऊपर से अलग छोंक लगाएंगे, जिसको छोंक का प्याज की कढ़ी खानी हो प्याज का ऊपर से छोंक डालिए, जिसको नहीं खानी हो सिंपल करिए। ये चावलों का पानी हमारा उबल चुका है, अब इसके अंदर हम ये चावल डाल देते हैं। अब बीच बीच में हमें इन दोनों को चलाते रहना है, जब तक इसे अच्छे से खद्दे नहीं लग जाते। ये चलाते रहो, इसमें अपनी स्वाद अनुसार कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार अपना इसमें नमक। ये बॉईल होने लगी है, अच्छे से खद्दे लगने लगे हैं। अब इसे हमें कम गैस को कम करके 15 से 20 मिनट तक पकने दीजिए। ये देखिए अब हमारे चावल लगभग गल गए हैं। देखिए अब हम इसे पसार लेंगे, इतने एक तरफ ये अच्छे से खदड़ रही है। अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी 10 से 15 मिनट और लग जाएंगे। इतने पसार लिए, देखो छलनी में निकाल दिए, इतने इसका पानी नहीं छुड़ेगा। दूसरी एक गैस हमारी खाली हो गई, तो इसमें फ्राई पैन रख रहे हैं, एक प्याज का हम छोंक तैयार करते हैं। अभी ये छोंक के प्याज हमारे अब भून चुके हैं, अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। उसके अंदर कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे आधी चम्मच, इससे कलर आएगा और मिर्च भी नहीं लगेगी। और जब सर्व करेंगे हम कढ़ी, जिसको खाने हैं प्याज उसके ऊपर ये थोड़ा सा छोंक डाल दो, बड़ा टेस्टी लगता है। अब काफ़ी देर हो गई हमें इसे पकते पकते, अब इसके अंदर हम सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़ियाँ डालने के बाद भी हम कम से कम इसे 5 से 7 मिनट चलाएंगे ऐसे ही। अब लगभग हमारी ये पक चुकी है, अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला, अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। अभी हमने एक कटोरी में ये कढ़ी निकाल ली, अब जिसको मसाला खाना है प्याज खाने वो ही उसके ऊपर ये हल्का हल्का सा ये डाले मसाला और चावल के साथ अभी हम सर्व करते हैं। अब ये हमारा खाना तैयार है, कढ़ी चावल। अब मसाला उसको जिसको प्याज खाने ऊपर से डालो, जिसको नहीं खाने नहीं खाना खान नहीं डालो। थैंक यू।